हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, और ये 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 19 के एंड में और 20 के पूरे साल एग्ज़ाम हुए ही नहीं। 21 के बाद इन्होंने CET लगा दिया, तो अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, और जैसे पुलिस और क्लर्क की भर्ती 2018 में हुई थी, और 2021 में मैं अगर कहूँ तो हमारी जो HPSC की भर्ती हुई है वो वाली लगा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हरियाणा में तो भर्ती हुई नहीं है पिछले 2-3 साल से। तो उन सभी जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं इंग्लिश के, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी आपके सामने। ये फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की, और अगर ये वीडियो सही चली और आपको सही लगी तो इस सीरीज़ को अप्लाई करेंगे। साइंस के साथ साथ आपको इंडिया GK और इंग्लिश की भी वीडियो मिलेंगे, और हरियाणा GK की आपको मिलती रहती है डेली। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 6 आया था इसमें इंग्लिश का। डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ कंटेम्पलेट। आपको सिनोनियम बताना है, सिनोनियम और एंटोनियम। ये अगर जितनी जिसकी अच्छी वोकैब है वो इजीली इसको कैच कर सकता है। वोकैब आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा, वोकैब का जो लेवल है, तो वोकैब अच्छी खासी पूछता है हरियाणा। तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है थिंक अबाउट। इसका मीनिंग होता है थिंक अबाउट। थिंक अबाउट मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना। बाकी आपका सर्कल है, पैटर्न है, मॉडल है, तो देखो अगर पैटर्न और मॉडल की बात करें तो दोनों ही सिमिलर हैं। सर्कल एक अलग चीज़ है, थिंक अबाउट इज़ द सिनोनियम ऑफ कॉन्टम्पलेट। द एंटोनियम ऑफ रिविल। रिविल का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, जैसे डिस्क्लोज करना भी क्या होता है कि आपने बता दी वो चीज़। टेल और शो तीनों ही सिनोनियम है। हाइड जो है वो इसका एंटोनियम है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द idiom टू बीट अराउंड द बश। जब भी idiom और फ्रेज की बात आए ना, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करके उसको रिलेट करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं भी आता है तो ईजिली आप कर पाओगे। देखो क्या बोला है, टू बीट अराउंड द बश, मतलब या क्या ऑप्शन है, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, सर्चिंग अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, स्पीकिंग करेक्टली, या नॉट टेकिंग अ डिसीजन। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, आप उस इशू के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं, या सर्च फॉर अ लॉस्ट ऑब्जेक्ट, आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है, उसके लिए टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश होता है मतलब झाड़ियों के ऊपर वार करना, या मतलब अराउंड द बुश बेखाम की कोशिश करना। तो नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, आप इशू के बारे में डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं। स्पीकिंग करेक्टली, ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। नॉट टेकिंग अ डिसीजन, कोई डिसीजन ना लेना। द आंसर विल बी नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। लर्निंग द फ्रेंच इज़ नॉट ईजी। क्या बोला है, देखो लर्निंग द फ्रेंच, आपको पता है कि जो भी हमारा जो लैंग्वेज हो गई, जैसे इंग्लिश है सब्जेक्ट हो गया या फिर लैंग्वेज हो गई, तो इनके लिए कभी भी ये द आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो करेक्ट होगा यहाँ पर सेंटेंस, लर्निंग फ्रेंच is not easy। चाइनीज़ भी आ सकता है यहाँ पे, जापनीज़ भी आ सकता है, इंग्लिश भी आ सकता है, कुछ भी अगर लैंग्वेज है, तो लर्निंग फ्रेंच इज़ नॉट ईजी, दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस बाई चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। टॉमी डैश द प्लेस ओनली वैन रोहित केम बैक। टॉमी डैश द प्लेस वैन रोहित केम बैक। आपको ना ये क्या होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और ये आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर केम बैक वर्ब की सेकंड फॉर्म बाद में आई है, तो आगे आपकी थर्ड फॉर्म विल लिव। रोहित जब, मतलब रोहित जब वापस आ जाएगा तब टॉमी लेफ्ट करेगा, या लीव्स, मतलब ये तो पहली फॉर्म हो गई वर्ब की, उसके साथ एस लग गया, ये मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, और ये लीव आपकी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये किस में आएगी, प्लूरल के साथ आएगी। तो टॉमी तो सिंगुलर है, ये तो आ नहीं सकती है, ये भी नहीं आएगा। तो बात करते हैं इसकी और इसकी, जब पीछे आपका सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म है, तो आगे क्या आएगा, लेफ्ट। ठीक है, टॉमी लेफ्ट द प्लेस व्हेन रोहित केम बैक। नेक्स्ट है आपका, डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट का सिनोनियम ऑब्वियसली टास्क होता है, आपको कोई एक असाइनमेंट दिया जाता है कंप्लीट करने को। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव और रिजाइन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ देना। तो टास्क जो है वो एक सिनोनियम है असाइनमेंट का।
द एंटोनियम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है वाद विवाद हो जाना, ठीक है। कन्फ्लिक्ट मतलब एक दुविधा पैदा हो जाना। वॉर इसका सिनोनियम है, कंपटीशन। लेकिन ये इनका ना देखो, ये एक कन्फ्लिक्ट एक नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है, कंपटीशन वो वाली चीज़ नहीं है। कॉलिजन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ क्या भिड़ जाना, ठीक है। तो पीस जो है वो एंटोनियम है कन्फ्लिक्ट का। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, स्पिल्ट मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। फर्स्ट ऑप्शन है वरिंग अबाउट लॉसेज दैट मे अकर, इस चीज़ के बारे में सोचकर चिंतित होना जो घट सकती है। मतलब आप सपोज करो आपका रिजल्ट आने वाला है और आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही पैनिक हो कि क्या पता क्या हो जाए, ये हो जाएगा। उस चीज़ के बारे में बोला है प्लीडिंग एंड आस्किंग एक्सक्यूज फॉर अ रॉन्ग एक्शन, आपसे कोई गलत चीज़ हो गई है उसके लिए एक्सक्यूज़ कर रहे हैं। क्राइंग दैट समबडी हैज़ हर्ट विद हार्श वर्ड, किसी ने आपको बहुत ही हार्श वर्ड सुना के आपको रुला दिया है। या फिर कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब होता है आप कंप्लेन कर रहे हैं उस लॉस की जो कि पास्ट में घटित हुआ है। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, ये वही है सेंटेंस है, आई ब्रोट अ कॉस्टली वॉच फॉर सिस्टर। तो ब्रोट अ कॉस्टली वॉच, आई ब्रोट अ कॉस्टली वॉच फॉर माई वॉच, ये गलत है। आई हैड ब्रोट, ये भी गलत है। ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज हेयर, विल बी यूज हेयर। आई हैड गोट ए कॉस्टली वॉच, नहीं ये तो सेंटेंस ही मतलब बदल दिया इसको। तो आपको एज इट इज सेंटेंस को रेक्टिफाई करना है, तो आई बॉट अ कॉस्टली वॉच फॉर माई सिस्टर, तो ब्रॉट की जगह सिर्फ बॉट आएगा। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, द पुलिस डैश नो हु द कल्प्रेट वॉच, द पुलिस। देखो ये पास्ट की ही बात कर रहे हैं क्योंकि वोज आ गया है, तो पुलिस को पता था कि भाई कल्प्रेट अपराधी कौन है। तो नो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, हैज़ और नोन, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। नोज कोई होता नहीं है, होता नहीं है ये नोज मतलब ये नो की फॉर्म के साथ आपका एस लगा दिया, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। न्यू जो है ये सेकेंड फॉर्म है एंड दिस फॉर्म इज़ यूज इन द प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ यूज इन दिस सेंटेंस, सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है किसी से दूरी बना के रखना, अपार्ट जैसे बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम दिस, इस चीज़ के अलावा ये भी, तो टुगेदर साथ में, पार्ट ऑफ उसी का भाव होना और मूव होता है आप उस जगह से खिसक जाना, तो सेपरेट विल बी द करेक्ट आंसर है, सिनोनियम ऑफ द अपार्ट इज द सेपरेट। द एंटोनियम ऑफ काउंटर फिट करना, काउंटर फिट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बिल्कुल जेन्युइन हो, तो यहाँ पर ट्रेडेबल और इंस्टेड ऑफ और फ्रॉडुलेंट ये इसके एंटोनियम नहीं है। और काउंटर फिट का मतलब होता है इसका सिनोनियम, इसका एंटोनियम होता है जेन्युइन। वैसे काउंटरफिट का मतलब होता है कोई चीज़ मतलब नकली हो, ठीक है, जिसमें जेन्युइनिटी ना हो, जिसमें कोई भी ओरिजिनलिटी ना हो, तो काउंटरफिट होता है नकली होना कोई चीज़, तो जेन्युइन विल बी द एंटोनियम ऑफ द काउंटरफिट। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू कट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर से काटना, किनारों से काट देना, तो रिड्यूस द प्राइस ऑन बार्गेन, समझौता करके प्राइस को कम कर लेना, पुट डाउन अ पर्सन, किसी आदमी को नीचे दिखाना, या फिर टेक ए शॉर्ट रूट, एक छोटा रास्ता अपनाना, या फिर टेक स्टेप्स टू सेव मनी, तो मतलब अपने मनी को सेव करने के लिए कुछ कदम उठाना, इसी का मतलब होता है टू कट कॉर्नर्स की, मतलब कुछ चीज़ों को अपना सेविंग के लिए उन चीज़ों को रिड्यूस कर देना या स्टेप्स उठाना, ठीक है जी। आगे चलते हैं, द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक, अगेन ये आपका सेंटेंस का आ गया है, साहिल प्रेफर टू स्पेंड वीकेंड इन होम, इन होम कोई वर्ड होता ही नहीं है, इन होम क्या होता है, साहिल प्रेफरेबली, प्रेफर्स की जगह प्रेफरेबली कर दिया, ये तो एडजेक्टिव आ गया एलवाई, साहिल प्रेफर टू स्पेंड वीकेंड एट होम, साहिल प्रेफर, ये आप ना तो कोई वर्ड को डिडक्ट कर सकते हो ना ही कोई वर्ड आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो साहिल प्रेफर्स टू स्पेंड द वीकेंड एट होम एज इट इज़ आएगा, सिर्फ आपको होम इन की जगह प्रेपोजिशन यहाँ पर एट लग जाएगी, और प्रेफर्स जो है ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आई एस तब लगता है जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल में तब लगती है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल में होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आपको टेंस समझने हैं तो वो फिर मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे समझा सकती हूँ और बहुत अच्छे से, और टेंस का स्ट्रक्चर भी बता सकती हूँ। एक स्ट्रक्चर याद रख लेना और तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट वीक द ट्यूटर डैश न्यू लेसन्स। नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं। बिगिन यहाँ पे वर्ड दी गई है, शेल बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगन तो बिगेन तो सेकेंड फॉर्म, बिगन इज़ द थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपकी नहीं आएगी। नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं तो विल बिगिन आएगी, ठीक है, विल बिगिन। ट्यूटर है तो आपको पता है सिंगुलर के लिए विल आता है, प्लूरल के लिए शैल आता है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे और मैं ये स्लाइड और करा देती हूँ, बस उसके बाद फिर करेंगे। डैश इज़ द सिनोनियम ऑफ ग्रीम। ग्रीम का जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है, देखो डर्ट हो गया, ब्राइट हो गया और चीयरफुल हो गया। जो ग्रीम होती है वो एक ब्लीक होती है। मैं आपको बता दूं कि ग्रीम जो एक वर्ड है ये एक मतलब जब आप किसी चीज़ के बहुत ही बैड रिजल्ट या विकट परिस्थिति में जब होते हैं तो उसके लिए होता है। देखो ब्राइट और चीयरफुल दोनों ही पॉजिटिव वर्ड हैं। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग हो जाना, जब कोई भी स्वाद ना रहे, कोई भी जीने का आनंद ना रहे, तो ग्रीम का जो सिनोनियम होगा वो ब्लीक होगा। एंटोनियम ऑफ मर्की। मर्की जो होता है, देखो मडी होता है, कीचड़ से भरा हुआ, डार्क अंधेरा, स्लशी धुंधला, तो क्लियर यहां पे मर्की का बिल्कुल सही एंटो होगा। एंटोनियम ऑफ मर्की इज क्लियर, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये सारे सिनोनियम हैं मर्की के, तो क्लियर एक एंटोनियम है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बिड एड्यू। टू बिड एड्यू मतलब टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ के लिए या किसी को गुड बाय करना, ये होता है टू बिड एड्यू, उस चीज़ को छोड़ देना। टू वेलकम ए फ्रेंड, नहीं ये तो किसी का स्वागत करना होता है। टू वर्क टुगेदर, किसी के साथ काम करना, या टू ऑफर समथिंग टू अ फ्रेंड, किसी को अपना फ्रेंड बनाना किसी चीज़ के लिए, नहीं ये है टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, किसी को गुड बाय बोलना। नेक्स्ट है द सेंटेंस गिवन बिलो कंटेन वन और मोर मिस्टेक। ओके सेंटेंस है द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक केम 20 years सिंस। देखो सिंस और फॉर का यूज़ आपको पता है, ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में लगता है और आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द आपके टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वॉज रिलीज, क्योंकि 20 years सिंस है तो सिंस 20 years एगो आ जाएगा, फिर सिंस नहीं लगेगा। द फर्स्ट ईयर बुक वॉज रिलीज 20 years एगो, ऐसे आएगा, सिंस वगैरह नहीं लगेगा। सिंस एक और, सिंस और फोर लगता है जब आपका जो टेंस है या सेंटेंस है वो कॉन्टिन्यूटी में रहता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो ये आएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ईयर्स बैक, ईयर्स बैक नहीं होता, ये भी ईयर्स बैक है। एट द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक रिलीज्ड सिंस 20 years एगो, नहीं। तो अगर आपने रिलीज्ड भी लगा दिया, अगर आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या यहाँ पे पास्ट टेंस भी यूज़ कर दिया तो ये नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही रहेगा। द टीचर वॉज नॉट डैश ऑफ सुशील सक्सेस। द टीचर वॉज नॉट होपिंग, होपिंग क्या होता है, अनहोप, अनहोप ये, लेकिन मतलब होपलेस हो सकता है, होपफुल हो सकता है, अनहोप नहीं, बिलीविंग क्या होता है, तो होपफुल जो है, द टीचर वॉज नॉट होपफुल ऑफ सुशील सक्सेस। सुशील की सक्सेस से जो टीचर थी वो होपफुल नहीं थी, उसको उम्मीद नहीं थी। यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके, देखो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि कौन से एडवर्टीज मतलब कौन से एग्जाम में आए थे और कब आए थे, तो ऐसे करेंगे हम। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगेगी तो आई विल कॉन्टिन्यू, अदरवाइज तो फिर आप बता दीजिएगा, हम कोई और चीज़ कर लेंगे इसकी जगह पर। इंडिया जीके का भी आपको मिलेगा वीडियो, होपफुल आज मिल जाए या फिर कल मिल जाए। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एक चीज़ और, जो हमारी साइंस की सीरीज़ है उसमें एसिड और जो बेस वाला है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मैं आपके उसको PYQ और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो NCERT से हैं वो मैं आपको ज़रूर कराऊँगी। थैंक यू सो मच।